उसको गाड़ी से निकाल के मेडिकल चेकअप के ले जा रही थी। जैसे मेडिकल कैंपस के अंदर आए, गोलियों की आवाज आई, विधायक और पूर्व सांसद गोली लगी है और वही दोनों लोग गिर गए। पुलिस ने गोली चलाई आपके साथ, पुलिस ने क्या बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, पुलिस ने जो है जिन्होंने गोली चलाई उनको तुरंत पकड़ लिया। पुलिस ने एक भी गोली चलाई नहीं, उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि भगदड़ की मीडिया कर्मी के रूप में वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इसके बारे में तो गाड़ी से निकाल के मेडिकल चेकअप के ले जा रही थी। जैसे मेडिकल कैंपस के अंदर आए, गोलियों की आवाज आई, विधायक और पूर्व सांसद गोली लगी है और वही दोनों लोग गिर गए। पुलिस ने गोली चलाई आपके साथ, पुलिस ने क्या बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, पुलिस ने जो है जिन्होंने गोली चलाई उनको तुरंत पकड़ लिया। पुलिस ने एक भी गोली चलाई नहीं, उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि भगदड़ की मीडिया कर्मी के रूप में वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इसके बारे में तो गाड़ी से निकाल के मेडिकल चेकअप के ले जा रही थी। जैसे मेडिकल कैंपस के अंदर आए, गोलियों की आवाज आई, विधायक और पूर्व सांसद गोली लगी है और वही दोनों लोग गिर गए। पुलिस ने गोली चलाई आपके साथ, पुलिस ने क्या बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, पुलिस ने जो है जिन्होंने गोली चलाई उनको तुरंत पकड़ लिया। पुलिस ने एक भी गोली चलाई नहीं, उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि भगदड़ की मीडिया कर्मी के रूप में वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इसके बारे में अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ आने पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार जो है साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें तीन लोगों को अभी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अदीब और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एक संग भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मान सिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, फोन नीचे कर लो ना। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए थे, मीडिया के समस्त कर्मी लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने पुलिस कर्मी थे उनके साथ? एक बड़े बच्चे सब नाम बता दिए, एक मिनट रुक जाओ यार, सब नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। अभी मैं उनसे लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है, अभी उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जा रहा है तो एट दिस स्टेज इट्स टू प्रीमैच्योर टू से एनीथिंग। उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन के बाद में मैं आपको और चीजें अभी मैं डिवाइड नहीं कर सकता, मैं जैसे इंटरोगेशन में तब से प्राप्त हूँ।